Sivri. Oi. Babu. Tak 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 tak. Hello. Hello guys. सुप्रभात सभी साथियों को, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 से। और आज जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, हम आपको एक नई जगह दिखाएंगे। और आज हम आए हैं हाटू टेंपल। हमारे साथ साहिल भैया, रोहित भैया, अंशु और पंकु आ गया है। आप देख सकते हैं अभी पहुंच रहे हम जस्ट यहाँ पे। इन्होंने पार्किंग के लिए बनाया है, काफ़ी अच्छा है भैया। आप देख सकते हैं बढ़िया प्लेस इन्होंने पार्किंग के लिए बनाया। अब आगे को जाएंगे और आपको आज हम दिखाएंगे हाटू टेंपल। हमारा फर्स्ट टाइम है, साहिल भैया पहले आया, बाकी सब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। चले फिर गाइस, अब हम आगे चलते हैं और आपको मंदिर की खूबसूरती दिखाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम, मतलब मैं मानता हूँ भाई, हिमाचल में जितने भी मंदिर है ना, वहाँ की जो कलाकारी आप देखते होंगे काफ़ी सुंदर होती है। और ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो वो कलाकारी करते हैं, ऐसे तो मान लो आप हिमाचल की होते हो कलाकार आर्टिस्ट, वो हिमाचल में इतना टैलेंट है कि वो मंदिरों में इतनी खूबसूरत कारीगरी कर रहे हैं। बाकी यहाँ आगे से मुझे ऐसा लग रहा है व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा। मैं है ना, बादल है तो थोड़ा पार्किंग से बाहर आते ही मंदिर के दृश्य मैंने दर्शन कर लिए। और आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ से काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। सब ने अपने अपने फ़ोन चख लिए हैं। वो तो आज थोड़ा मौसम ख़राब है ना, आगे का व्यू वैसे ठीक है यार, फर्स्ट टाइम और काफ़ी अच्छा मंदिर। बाकी आप भी चेक करो, आप मंदिर में आके ना जो आपको पीस शांति महसूस होगी, वो शायद ही और कहीं महसूस होगी आपको जितनी मंदिरों में आके होती है। ओ भाई, आज तो फोटो ले, इसको फोटो लेने की होती है पहले। वाह, पहले पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। वो थार भी पहुंचे। अंशु भाई बोले जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा कभी तो थार लेके आओ। नीचे से यार रोड बड़ा ना, थोड़ा कंजस्टेड है, बट अंशु भाई बोले मैं आऊंगा थार लेके। ये लेके आएंगे भाई आप? ब्लैक कलर हो बस, इस काबिल तो बन गए, मेहनत करनी पड़ेगी तभी बन सकते, ऐसे नहीं आएगी थार भाई। बाकी आपको और अच्छे से खूबसूरती आगे जाके दिखाएंगे। नवरात्रे आजकल तो क्राउड काफ़ी देख सकते हैं आप, उतना तो नहीं है बट इतना भी बहुत है यार। आते कैसा लग रहा है? बर्फ भी है भाई, ठंडे कपड़े पहन के नहीं आते ना, मुझे बोल रहे थे ठंड होगी ऊपर ध्यान रखना, बट अपा बिल्कुल ठीक है, आपका को ठंड नहीं लग रही। और अभी हम सब ने मंदिर के दर्शन कर लिए और अब आपको भी हम मंदिर के दर्शन करा लेते हैं। अंदर शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वरना मैं आपको कलाकारी दिखाता, कृष्ण भगवान की बहुत ही प्यारी कलाकारी की गई। अगर आपको मैं यहाँ से दिखा पा रहा हूँ ना, हनुमान जी की दिखेगी। आज एक तो क्राउड है ना, इतना अच्छा जूम होगा तो अंदर की कलाकारी आपको शायद नज़र आ रही होगी। काफ़ी सुंदर कलाकारी इस मंदिर की, और आप सभी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ बता देता हूँ, अपना फर्स्ट टाइम था। काफ़ी सुंदर मंदिर यार, देखो बारिश भी हो रही है। और अभी एक रील बनाऊँगा मैं और शॉट काफ़ी अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से मंदिर की खूबसूरती डबल हो चुकी है। बाकी आप एक बार देख सकते हैं, क्राउड भी काफ़ी अच्छा है आज, नवरात्रे हैं एक तो। और मंदिर ये आपको नारकंडा से थोड़ा पीछे है, हाटू पीक करके। और मंदिर तो आप देख ही रहे हैं, मौसम ख़राब हो गया यार, पर चलो मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से मंदिर के शॉट दिखा लूँगा। बारिश के चलते क्राउड कम होगा तो हमारे को शॉट लेने में आसानी हो जाएगी, बंदे तो फोटोज़ ले रहे हैं भाई। एक आधी फ़ोटो मैं भी बाद में ले ही लूँगा। और बंदे को फोटो लेने का इतना क्रेज़ है कि बारिश में भी बंदे नहीं रुक रहे हैं, और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आप पर व्यू भाई, बारिश यार इतनी बारिश होगी, जब हम आए ना तब सुबह मौसम साफ हो रहा था। बर्फ भी है यहाँ पे भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी सी या हर कुछ इंग्लिश, मतलब बहुत लंबे समय बाद हमने बर्फ देखी। यस, और ऊंचाई दिखा लेते हैं हम आपको, कौन सी कितनी ऊंचाई पे हम पहुंचे बंदे फोटो की। 3400 ये तो फीट पे है भाई, 3400 मीटर फीट में कर रहा है तू काउंट बड़े भाई। ये वाह भाई, बता नहीं सकता मैं आपको, बारिश काफी तेज बारिश के चलते गाड़ी तक हमें
दौड़ दौड़ के पहुंचना पड़ रहा है, ओले पड़ रहे हैं भाई हल्के हल्के, तो पर बारिश ज्यादा है। ओ, बता नहीं सकते हम आपको कैसी बारिश हो रही है इस वक्त, अलग ही वाइब बारिश के साथ ले रहे हैं हम और गाड़ी में पहुंच गए। अभी हम पहुंचे हैं नारकंडा, क्योंकि मंदिर से हम आ चुके थे और हमें लंच करना था, तो नारकंडा नज़दीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर ही है वो मंदिर, तो फिर हम नारकंडा आ गए। और अब अंशु भाई को टमाटर लेने हैं, सोचो हम बलून कैंची से नारकंडा टमाटर लेने आया भाई, आगे आ जा। रोड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है हाईवे में, आप ध्यान से रोड क्रॉस करें जब आप व्लॉग बना रहे हैं, नहीं तो रोड क्रॉस। ओ भाई टमाटर तो उधर भी दिख रहे हैं, अंशु भाई कौन सी साइड जाना चाहेंगे आप? अंशु भाई तो अलग ही जगह चले गए, ठीक है अब टमाटर लेके मिलते हैं आपसे। अंशु भाई 20 रुपये की मिर्चें निकाल रहे हैं, बहुत तो नहीं निकाल दिए, वो बेस्ट और बीज ज़्यादा आती है हरी मिर्चा, घर वालों से साथ में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब इसका देखते हैं अंदाजा, इसने 20 की सही निकाली की गलत निकाली। संतरे की 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो संतरे, 30 रुपये। टमाटर का रेट चल रहा है नारकंडा में 50 रुपये किलो, टमाटर की सिचुएशन आप देख सकते हैं और अंशु भाई की सिचुएशन भी देख सकते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बारिश लगी है ना यार, उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा बारिश होगी और हमें ठंड का सामना करना पड़ेगा। कैसी रही आपकी यात्रा? बंदा भी बिल्कुल सब्जी लेने में पूरा ध्यान है इसका, नहीं तो मैक्सिमम लड़कों को यही सुनना पड़ता है घर पे, बोले तुम ढंग से नहीं लेके आए। सही में भाई मेरे को ऐसे ही बोलते घर पे, मैक्सिमम जब मैं शिमला में लेता था ना सब्जी, मेरे को ये बोलते तेरे को सब्जी लेने नहीं आती, देख ले कैसी सब्जी ले आती है, बट कोई नहीं अभी यहाँ सब्जी की सिचुएशन ठीक नज़र आ रही है हमें। सब्जी की शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट, अब हम जाते हैं अपनी गाड़ी के पास और नेक्स्ट स्टेशन पे मिलते हैं अब आपको, दो जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं अब हम, तभी हमने पैसे कमाए ना यार, घूमने को मिलता है पैसा कमा के भाई, इसलिए पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नारकंडा काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं हम, अंशु भाई कौन सी बार आ रहे हैं आप नारकंडा? दूसरी, सेकंड टाइम, कैसा लगा फिर आपको? वाह हमारे को बाजार में सिट्टी सुनाई दे रही है, ऐसे सोचते हैं अपने बंदे सिट्टी मार रहे हैं, पर अपने बंदे हमारे कैसे लग रहे हैं? दो बंदे अपने आ गए, साहिल भैया की गाड़ी लेके आए, साहिल भैया सिटी के चलते हमें कन्फ्यूजन हो चुका है। साहिल भाई है पीछे भाई, वही तो नहीं मार रहे थे कहीं सिट्टी, रुकना पड़ेगा। और नारकंडा में अभी भाई साहिल भैया गुम हो चुके हैं, सिटी सुनाई दी और हमारे भैया गायब हो चुके हैं। अरे आगे हमें साहिल भैया नजर नहीं आ रहे, ओहो सामने हमें साहिल भैया मिल चुके हैं, साहिल भैया नारकंडा इट मीन्स नारकंडा में अच्छे टमाटर मिलते हैं गाइस, देख सकते हैं आप शॉपिंग करके हो गए अपनी शॉपिंग। और अभी हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हम आए हैं तानी जुब्बड़, काफी सुंदर लेक है यहाँ बीच में, और अब आप शॉर्ट चेक करना पड़ा, अभी आप ऐसे ही चेक कर लो, यहाँ पे मंदिर है जय नाग देवता खाचली, और यहाँ सामने नाग देवता जी का मंदिर, और ये अब आप खूबसूरत लेक देखिए, काफ़ी सुंदर दृश्य दोस्तों। हमारा मोटिव यही है आपको ऐसी जगह एक्सप्लोर कराना जो हिमाचल में शायद काफ़ी कम पॉपुलर होगी, क्योंकि सब्सक्राइब हाँ इसीलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारा कार्य होगा कि आपको ऐसी ही जगह एक्सप्लोर कराते रहे, नई नई जगह। थोड़े ज़ोर से बोल रहा हूँ, आवाज़ गूंज रही है, चेक करें एक बार, हेलो भाई कैसी गूंज रही है आवाज़, और ये लेक बताना आप कैसी लगी आपको ये नई जगह, वो सही में गूंज रही है भाई आवाज़, यहाँ ना पूरा ऐसे घूमने को है, आप एक राउंड मार सकते हैं पूरा, ओ भाई क्या ही दृश्य है, जहाँ पे हम आते हैं ना वहाँ पे बारिश भी रुक जाती है, और अभी बारिश रुक चुकी है। अंशु भाई और पंकु भाई कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस दृश्य के बारे में? ये दृश्य तो हमने सिर्फ फोन में देखा, फोन में देखे थे यार हमने, मैं कहाँ आई कैसी लेक जैसी हो, रोड और देख सकते ना ये वाला रोड, पर मुझे ऐसे लगता था कि पूरा रोड ऐसे राउंड मार सकते हैं, बट रोड पार है आप ऐसे चल के आपको आना पड़ेगा राउंड कंप्लीट करने के लिए। बाकी भाई लेक है ना बहुत प्यारी लग रही है यार, क्योंकि मूवमेंट देख सकते हैं आप इसमें कैमरा, सॉरी गाइस अगर आपको थोड़ा
अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा। अंशु भाई ने तुझे पहले बोले फोटो लो है अंशु भाई। ठंड लग चुकी है, ठंड तो है, और जो पेड़ है ना भाई, दृश्य आप देख ही रहे हैं। पंकु भाई इसीलिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हाँ तभी हम आपको नई नई जगह एक्सप्लोर कराते रहेंगे।